बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गॉसिप्स विद काशिफ अवान। दोस्तों, आज हम हैं वादी सून में और रवान दवा है चांबड़ मंदिर नरसिंह फवार की तरफ, और हम आ रहे हैं चश्मा सुल्तान मेहदी से। यह सफ़र हमने पैदल और चश्मे के साथ साथ करना था, लेकिन जब हमने ये चश्मा सुल्तान मेहदी से ट्रैक स्टार्ट किया तो तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद दो तरफ़ा बुलंद पहाड़ थे, जिन्हें मकामी ज़ुबान के अंदर दंदी कहते हैं, जो सीधा 90 डिग्री पे पहाड़ होता है, और दरमियान में एक बहुत बड़ा तालाब था जिसकी वजह से उसे क्रॉस करना मुमकिन नहीं था, और वहाँ पे कोई मोबाइल सर्विस भी मौजूद नहीं थी। तो मजबूरन हमें वापस आके बाय रोड इस तरफ आना पड़ा। अब हम आएंगे, पहुँच रहे हैं चांबड़ मंदिर के एरिया में। यहाँ से नीचे उतराई है बल खाती हुई, एक कच्ची सड़क है जो चांबड़ मंदिर तक उतरती है, और फिर चांबड़ मंदिर से नीचे हम उतरेंगे नरसिंह फवार की तरफ। दोपहर का वक़्त गुजर चुका है, यहाँ पे हम अपनी बाइक रोकेंगे, और ये सूरज ढल रहा है। हम अपने प्लान से लेट हो चुके हैं। मेरे साथ हैं अली अहमद चौधरी, जो मेरे लीडर भी हैं, ये बाइक टूरिस्ट भी हैं और इसके अलावा बाइक रेसर भी हैं। इस वक्त हम ऊंचाई पे मौजूद हैं जहाँ से हमने नीचे उतर के जाना है। ये कुछ मनाजर हैं, इस जगह से हम आपको गहराई का कुछ दिखाते हैं। ये जो गहराई में आपको पानी नज़र आ रहा है, ये चश्मा सुल्तान मेहदी का पानी है, जिसके साथ हमारा प्लान था चल के आने का, लेकिन वो रास्ता बंद होने की वजह से नाकाम रहा। जिन दोस्तों ने हमें गाइड किया था कि इस पानी के साथ उन्होंने ट्रैक किया हुआ है, जब सर्विस पे आके हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने हमें बताया कि वो मुकम्मल ट्रैक पानी के साथ नहीं आए, बल्कि वो बाद में नीचे उतर के उस पानी के साथ चलना शुरू हुए थे। यहाँ से हम उतरेंगे नीचे की तरफ। ये कैमरा पूरी हाइट नहीं दिखाता, ये लाल रंग की बेल नज़र आ रही है, ये बुगन बेल है जो चांबड़ मंदिर पे लगी हुई है। तो हम यहाँ से आगाज़ करते हैं अपना गहराई की तरफ सफ़र का। ये हम नीचे उतर आए हैं और यहाँ से हम पैदल अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे नीचे की तरफ। ये इस तरह की कच्ची सड़क है और साइड पे आपको बुलंद पहाड़ जो है वो नज़र आ रहे हैं। हम एक जो गहराई है अभी उतरे हैं। यहाँ से हमारी पहली मंजिल है चांबड़ मंदिर। ये मंदिर तकरीबन 200 साल पुराना है और इसकी सही तारीख जो है वो भी मालूम नहीं है। वो सड़क को हमने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया ताकि हमारा व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। अब हम पहुंच चुके हैं चांबड़ मंदिर के अंदर। इस जगह के ठेके दिए जाते हैं और मुख्तलिफ इसके बारे में कहानियां मौजूद हैं कि ये जो ठेकेदार हैं जो इस जगह को किराए पे लेते हैं गवर्नमेंट से, वो यहाँ से ख़जाना ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं। पहले जो ठेकेदार यहाँ पे मौजूद रहा था, उसने यहाँ पे बहुत से परिंदे पाले थे जो पाकिस्तान से बाहर से मंगवाए गए थे, उसके पिंजरे अभी तक यहाँ पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे मौजूद जो बंदा है काफ़ी गप्पी किस्म का है, लेकिन उसने बताया है जी कि उसे एक देग मिली थी जो वो ले के यहाँ से फ़रार हो गया था और सामान वगैरह अपना यहाँ पे छोड़ गया था, और अब यहाँ पे कोई इस्लामाबाद का ठेकेदार है ये यह वो यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहा है। ये इनका स्नान घाट था और उसके पीछे इनके जो पांडवों के रहने के कमरे थे वो मौजूद हैं। ये इस जगह का तालाब है, यहाँ पे काफ़ी पुरेसरार से मनाजिर हैं। ये इमारत अपनी स्ट्रक्चर से ही बता रही है कि ये कम से कम 200 साल पुरानी है।
छतें इसकी मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये खूबसूरत से बने हुए उस वक्त के कमरे जो हैं वो मौजूद हैं। मंदिर अभी इससे आगे है। यहाँ से चश्मे का पानी आता था जो स्नान घाट में दाखिल होता था, और इस स्नान घाट के बाद इसके अंदर नालियाँ बनी हुई थी जो इस पूरे बाग के इलाके में चक्कर काटता हुआ पानी नीचे गिरता था, जहाँ से एक खूबसूरत आबशार बनती थी जिसे नरसिंह फवार कहा जाता था। ये खस्ताहाल कमरे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि इतनी खूबसूरत इमारत होने के बावजूद इन्हें किसी भी तरह से संभाला नहीं जाता। हालांकि ये जो सियाहत है उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं, और वैसे भी ये जिंदा कौमों का अलामत है कि वो अपने विरसे की हिफाजत करती हैं। ये वो मंदिर है जिसके ज़ाहरी तौर पे सीमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन ये प्लस्तर नहीं हुआ हुआ बल्कि इसके अंदर बारीक किस्म के बाल नज़र आते हैं अगर इसे हम करीब से खुरच के देखें तो। ये मंदिर था जिसे चांबड़ मंदिर कहते हैं। इसके भी अंदर खुदाई हो चुकी है। खजाने के मुतलाशी जो थे उन्होंने इसका फर्श उखाड़ दिया था, और इसके अंदर कोई भी मूर्ति वगैरह मौजूद नहीं है। अब यकीन के साथ ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये किस मज़हब के मानने वालों की इबादतगाह थी, लेकिन फ़िलहाल इसे चांबल मंदिर ही कहा जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, एक स्नान घाट तालाब का होना, 7 पांडवों के या जो यहाँ पे रहते थे मुजावर वगैरह उनके रिहायशी कमरे और एक मंदिर, ये ज़्यादातर हिंदुओं की पुरानी इबादतगाहों का स्ट्रक्चर है। इसी से इसके मिलता जुलता कटासरा या मलकाना मंदिर इन तमाम मंदिरात का यही स्ट्रक्चर है। ये मंदिर के अंदरूनी मनाजर हैं। ये वो पिंजरे हैं जो यहाँ से पहले जो भी ठेकेदार वगैरह मौजूद रहे हैं उन्होंने यहाँ पे जो मुख्तलिफ अकसाम के परिंदे पाले थे। ये मंदिर का आपको चारों तरफ से हमने व्यू दिखाया है। बहुत ही पुरेसरार जगह है। यहाँ पे हम जिस जगह से हम दाखिल हुए थे वहाँ से कई 100 फुट नीचे हम गहराई में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मंदिर और यह स्नान घाट पुराने पांडवों की रिहाइशों के बाद हम आपको इस पूरे बाग का एक चक्कर लगवाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी क्यारियाँ बनी हुई हैं जिसके अंदर बहुत पुराने बरगद के दरख्त हैं। ये जगह कभी बहुत अच्छी तरह से आबाद रही है, और स्नान घाट के अंदर से निकलने वाले चश्मे का पानी इस पूरे बाग में से चक्कर काट के एक जगह से नीचे गिरता था, जहाँ से एक खूबसूरत आबशार बनती थी। 2 साल पहले मैंने इस जगह को विज़िट किया था तो उस वक्त वो आबशार मौजूद थी। यहाँ पे बरगद के दरख्त ऐन किनारे पे मौजूद थे जिनकी जड़ों से पानी नीचे गिरता था, और एक खूबसूरत आबशार बनती थी जिसका नाम नरसिंह फवार था। लेकिन अब दोबारा जब इसे विज़िट किया है तो बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि वो दरख्त यहाँ से नीचे गिर गए हैं। ये तकरीबन 1000 फुट के करीब यहाँ से गहराई है जहाँ से पानी गिरता था। उस वक्त का एक पुराना क्लिप मेरे पास मौजूद है, वहाँ से आपको उस आबशार का पुराना मंजर दिखा रहे हैं। ये वो आबशार थी। इस दरख्त का टूटा हुआ जो जड़ है वो पिछली वीडियो में नज़र आ रही है। तो ये खूबसूरत मंजर था जब ये आबशार पहले सही तरह से गिरती थी। ये पानी आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो पानी था जो उसी स्नान घाट से निकल के आके चक्कर काटता हुआ यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो कैमरा जो है वो मुकम्मल गहराई का व्यू नहीं दे सकता, इसलिए आप इसे का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत मंजर था। और नीचे वो गहराई में आपको पीछे से आता हुआ पानी जो कि चश्मा सुल्तान मेहदी से आता है, हमारा पिछले व्लॉग के अंदर जो है वो चश्मा सुल्तान मेहदी का व्लॉग है। तो ये खूबसूरत आबशार थी जो अब टूट के गिर गई है।
दोबारा बन जाएगी और दरख्त भी शायद जड़ों से उगाएंगे, लेकिन इस पे काफ़ी वक्त लगेगा। अब हम यहाँ से मज़ीद नीचे उतरने की कोशिश करेंगे और इस आबशार को नीचे से जा के देखेंगे। यहाँ पे काम करने वाले वर्करों और चरवाहों ने हमें एक नीचे से उतरने का रास्ता बताया है, तो हम यहाँ से निकल के अब साइड से गुजरते हुए इस चांबल मंदिर से नीचे जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ से निकल के इसके साथ साथ चलते हुए उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ से नीचे उतरना था, ये वो व्यू है जिस जगह से हमने नीचे उतरना था, तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो सारा रास्ता भी गिर चुका है। इधर से सूरज भी ग़ुरूब हो रहा है, तो मजबूरन हमें यहाँ से भी वापस चलना पड़ेगा। यहाँ पे हमने चश्मे पे नहाए और चाय बना के पी और वापसी की राह ली। उम्मीद है आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा अल्लाह।